अस्सलाम वालेकुम तमाम वेखन ते सुनन वालेयां नूं, मैं तुहाडा अपना भरा हसन गुजर। दोस्तों, एक चौधरी हुंदा सी जिहड़ा कि अपने पिंड दे विच जिमीदारा करदा हुंदा सी, ते माशाल्लाह चंगा चोखा उहदा काम शाम चलदा सी, जिमीदारा करदा सी, फसलां चंगीआं हुंदीआं सन। एक वारी उहदे ते ऐसा टाइम आ गया कि उहदीआं फसलां जिहड़ीआं ना उगना बंद हो गईआं, फसल थोड़ी जिही होणी उस तों बाद जिहड़ा ना उह सड़ जाणी फसल, जड़ नहीं फटनी फसल ने सही। बड़ा परेशान होया, बड़े दवाइयां दवाइयां बड़ियां पाइया उन्हें, लेकिन गल नहीं बनी। उन्हें सोचा कि क्यों ना अल्लाह के बंदे को जाना चाहिए, कोई शायद अल्लाह की तरफों कोई मसला होया हो। अपने एक बुजुर्ग को चला गया और उन्हें जाके उ अपना मसला बयान किया कि बुजुर्गो, मेरी चंगी फसल होंगी सी माशाल्लाह, लेकिन हूँ यह मामला हो गया कि फसल जी है ना उग नहीं रही सी, जड़ नहीं फटती फसल, थोड़ी जी होंगी उस बाद ना फसल खराब हो जाती। बुजुर्गों ने उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, वक्त चंगा माड़ा वक्त आता ही रहता, तू इंज कर कोई काम शाम कर लै। तो उन्हें आख्या, बाबा जी मैं चौधरी बंदा, पिंड च मेरी बड़ी इज्जत है, तो मैं तो काम नहीं कर सकता कि मेरी तो कोई इज्जत नहीं रह जानी। तो बुजुर्गों ने कहा कि चलो पिंड च तू काम नहीं कर सकता तो कित होर चला जा, तो शहर चला जा। उन्हें कहा नहीं जी, शहर भी मेरे जरा कोई जानना है ना, तो मैं उत्थे नहीं काम कर सकता, मेरा गुजारा नहीं है। तो बुजुर्गों ने फिर उन्होंने मशवरा दिता कि तू इंज कर कि दूर दराज पिंड चला जा, वाई बीजी तो तेन आती है, हुनर आता तेन चंगा, तो तू इंज कर कितने दूर दराज पिंड चला जा, उत्थे जाके किसी की वाई बीजी कर जिथे तेन जानता भी ना हो, कोई तो औखा वेला टाल जाएगा, मेहनत कर ते नाल अपने बीज लै जमी, ठीक है, तो वाई बीजी करता रही, नाल अपने भी बीज बीजता रही। जदों कितने मौका ऐसा आया, अल्लाह मौका दे कि वह बीज उगना शुरू हो जाए, तेरी फसल उगना शुरू हो जाए, तो तू वापस आ जाए अपना काम शुरू कर ली। खैर, उन्हें बुजुर्गों की गल मनी तो वह चला गया जनाब दूर दराज पिंड देखते। उत्थे जाके उन्हें एक चौधरी ही उत्थे दा, उन्होंने दसिया कि भी मैं वाई बीजी का माहर हाँ, तो मैनू अपने काम से रख लो, मैं तुहाडा काम करा करांगा। उन्हें उहदे नाल मुआवजा तय किया, काम शुरू कर दिता। करद्या करांद्या जिहड़ा ना वह मेहनत करता गया, हर साल उन्हें हर साल अपने भी बीज बीजने शुरू करते। नाल एक टाइम ऐसा आया कि वो बीज उगना शुरू हो गए, जड़ फड़ना शुरू हो गए। तो उन्हें सोचा कि यार हूँ बुजुर्गों ने कहा जो बीज जड़ फड़ लैन तो वापस आ जाऊंगी, उन्हें सोचा हूँ लगता टाइम वापस आ गया, अल्लाह ने मेरी सुन ली है। उन्हें जाके चौधरी को कहा कि चौधरी साहब मेरा जरा ना हूँ काम पूरा हो गया, मैं हूँ जा रहा, मैं अपना काम शुरू करा उसे जाके। चौधरी ने कहा अल्लाह के बंद क्यों रोजी को लत मारता पाया, चंकी भली रोजी लगी, काम कर रहा, मेरा भी काम चलता पाया, तेरा भी चलता पाया। उन्हें कहा नहीं चौधरी साहब, मैं जो काम आया है ना वो हो गया मेरा काम, तो मैं हूँ जाना ही बनता। खैर, उन्हें अपना हिसाब किताब किया चौधरी नाल, तो वह पहुँच गया अपने पिंड जाके, उन्हें फसल बीजी उ, फसल माशाल्लाह उग गई। उन्हें सोचा यार बुजुर्गों की गल च बड़ा वजन से, जाना चाहिए बुजुर्गों को दोबारा हाजरी दे गया। फिर बुजुर्गों के कोल उ जाके उन्हें कहा कि बुजुर्गो, मैं तुहाडी गल ते पूरा पूरा अमल किया, उ जाके वाही बीजी की, अपनी फसल बीजी, वो फसल उग गई। फिर मैं इतने भी आ गया, इतने आके भी मैं अपनी फसल बीजी, पूरा तजर्बा किया, अल्लाह ने मेरी फसल उगा दी है। तो मैंने एक गल की समझ नहीं आई कि यह किवें हो गया, मतलब पहले उगती नहीं फसल, फिर मैं एड्डी दूर दराज गया, मेहनत की, उत्थे जाके कुछ साल बाद जाके मेरी फसल उगना शुरू हुई, तो ये की राज है। बुजुर्गों ने आख्या कि बंदे के उत्ते औखा वेला आंदा है, चंगे माड़े दिन आते हैं, जिस तरह के दरख्तों के उत्ते खजान का मौसम आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि पत्ते सारे ही झड़ जाते हैं, लेकिन कुछ अर्सा दरख्त इंज ही रहते हैं, उस तो बाद फिर बहार आती है, फिर पत्ते लगते हैं, वो फुल लग जाते हैं। तो इस तरह बंदे ते भी खजान आती है, बहार आती है, सिर्फ इंसान के समझने की लोड़ है, इंसान को सबर की लोड़ है कि जो औखा वेला आए वह सबर करे, अल्लाह ताला नूं याद करे, अल्लाह के तवक्कल अपना मजबूत रख के मेहनत करता रहे। एक टाइम ऐसा आता है कि अल्लाह उन्हें जरूर कामयाब करता है। तो तेरे नाल भी यही मामला होया है कि तू तेरे से औखा वेला आया सी, तेरे खजान आ गई सी तेरे से, तो तू किसी होर इलाके जाके मेहनत की, सबर किया, तो अल्लाह ने तेनों फिर दोबारा जरा कामयाबी दी है। तो दोस्तों सानू भी चाहिए है कि साढ़े से जो औखा वेला आए तो सबर करिए, अल्लाह ताला नूं याद करिए औखे वेले से, और अपनी मेहनत करते रहिए। नतीजा देना अल्लाह ताला का काम है, साडा काम मेहनत करना है, असी अपनी मेहनत पूरी करिए और नतीजा अल्लाह से छड़ दांगे जदों, तो अल्लाह ताला जरूर करम करेगा। वो करम करने वाली जात है, उन्हें करम ही करना है। तो सानू हमेशा सबर नाल काम लेना चाहिए,
जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह ने तवक्कल पक्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो जो वीडियो चंगी लगी हो तो जरूर इन लाइक करना, शेयर करना, तुहाडे दोस्तों का बहुत ज़्यादा तावन चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नवी वीडियो, रब राखा।